ललकार रही हैं उद्धव ठाकरे को। और इस वक्त हमारी तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके घर से, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आशुतोष भी हमारे साथ खार मुंबई से उनके घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। चित्रा, एयरपोर्ट का बवाल और उसके बाद एक वीडियो के जरिए ये तूफान, ये बात थमती नहीं दिख रही है। और इस बार सीधा संजय राउत नहीं, अब सीधा उद्धव ठाकरे को ललकार रही है कंगना रनौत। यही तो सवाल है। और देखिए जो अंदाज कंगना रनौत का पूरे मामले में जो वीडियो सामने आया है, देखिए उन्होंने कहा है आज मेरा दफ्तर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे को सीधे ललकारा है, मुंबई आकर अपने घर में वीडियो बनाकर कंगना रनौत ने। मैं चाहूंगी पवन हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं। आपको बता दें खार इलाके में 5th फ्लोर पर उनका यह फ्लैट है जहां पर चारों तरफ सबसे ज्यादा ग्रीनरी जिस फ्लैट में आपको दिखाई दे रही है, दरअसल उसी फ्लैट के अंदर से ये वीडियो तैयार करके कंगना रनौत ने ट्वीट किया और उसके जरिए सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण अंजना, क्योंकि बदले के तहत ये कार्रवाई कंगना रनौत के साथ की गई है। अभी तक सिर्फ जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए अगर आप बीएमसी का लेटर देते हैं, उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कहीं पर भी देश में कहीं पर भी इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी जाती अमूमन। और अगर होती भी है तो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित होती है। और वही आज हम सब ने देखा कि किस तरह से बीएमसी की कार्रवाई, यानी कि सीधे 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 यहां पर उद्धव सरकार की ओर से जो निर्देशित किया गया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, शरद पवार ने भी पल्ला झाड़ लिया, कहा कि यह ठीक नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर देखिए उद्धव सरकार ने यह फैसला लिया, चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है, कोई भी शायद एक ऐसा शख्स मिले जो यह कहे कि नहीं उद्धव सरकार ने बहुत ठीक किया, चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है। और बदले के तहत ये जो कार्रवाई की गई है उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे भोगेंगे, ये कहते हुए कंगना रनौत सीधे तीखे अंदाज में नजर आती है। और संजय राउत को नहीं, पहले तो उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधते हुए उनके बारे में तमाम बातें कही थी, जय हिंद जय महाराष्ट्र की बात कही थी, लेकिन अब बारी आ गई है सीधे सीधे उद्धव सरकार की, सीधे उद्धव ठाकरे का वो नाम लेती हैं और कहती हैं कि आज मेरा दफ्तर टूटा है। और दफ्तर के अंदर की तस्वीरें भी लगातार जो उन्होंने ट्वीट की है, वो यकीनन जिसने खून पसीने की कमाई से इतना शानदार दफ्तर बनाया हो, और हम सब जानते हैं अंजना कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से यहाँ पर आती हैं बिना परिवार के सपोर्ट के। कई बार ऐसा हुआ इसी मुंबई में, उन्होंने कंगना रनौत की ओर से अचार और ब्रेड खाकर इसी मुंबई में संघर्ष किया गया, एक बहुत लंबा दौर उन्होंने देखा है इसी मुंबई में। और उसी मुंबई में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से न सिर्फ इस फ्लैट को खरीदा जो कि करोड़ों की कीमत है, बल्कि उस दफ्तर को भी बनाया। और वहां पर अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो यकीनन जो तेवर है वो इसी तरह के दिखेंगे। और कंगना तो जानी भी जाती है इसके लिए। कंगना रनौत ने पहले मुंबई में देखिए बहुत लंबा संघर्ष उनका रहा, और पहली फिल्म गैंगस्टर मिली, गैंगस्टर फिल्म के साथ ही उनका उनका जो करिश्मा था वो एक तरीके से यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ चला गया, और एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं, लीग से अलग हटकर उन्होंने फिल्में बनाई जिसकी कामयाबी भी मिली, और एक बहुत बड़ा वर्ग उनके राष्ट्रवाद उनके राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित रहा, वो उनका पक्ष लेता रहा। लेकिन ये लड़ाई जो सुशांत सिंह राजपूत मामले से शुरू हुई थी वो यहाँ पर इस रूप में जाकर खत्म हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जो हुआ वो कितना गलत हुआ ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर लड़ाई अब यहां से एक नए अंदाज में शुरू होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं एक तरफ कंगना रनौत जो सीधे अब उद्धव ठाकरे को ललकार रही है, और शिव सैनिकों का तेवर मुंबई में महाराष्ट्र में क्या होता है यह हम सब जानते हैं। अगर यहां से वो सीधे उद्धव ठाकरे को ललकारेंगी तो हो सकता है शिव सैनिक जो आज हमें एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे, काले काले झंडों के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे कि वो वहां पर कंगना रनौत को बाहर नहीं निकलने देंगे, उनका विरोध करेंगे और लगातार कंगना वापस जाओ, यहां तक कि पाकिस्तान जाओ के नारे तक शिव सैनिकों की ओर से लगा दिए गए थे। लेकिन अब ये लड़ाई काफी आक्रामक तौर पर आगे बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि कंगना रनौत के साथ पीछे कौन खड़ा होगा। रामदास अठावले की पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, उसके अलावा करणी सेना के तमाम वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे कंगना रनौत के समर्थन में, उनको सिक्योरिटी देने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ सैनिक लगातार विरोध कर रहे थे। यह लड़ाई अब और ज्यादा बढ़ेगी, यह लड़ाई अब और ज्यादा आक्रामक होगी, शब्दों की मर्यादा भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में टूटे, जैसा कि संजय राउत के मामले में हम देख चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने करेक्शन करते हुए यह कहा कि मैंने तो डॉटी कहा था, हमारे ही संवाददाता साहिल जोशी से बात करते हुए उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। लेकिन शिवसेना भी जानती है कि देखिए कंगना रनौत यहां पर अकेले नहीं है, और जिस राष्ट्रीय राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ी है, एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का ऐसा है, आज भी हम सबने देखा
जाती कि जब उनके दफ्तर को ढाया जा रहा था तो कंगना के समर्थन में बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हो गए थे। ऐसे में अब यहां पर उद्धव सरकार आगे कदम कैसे बढ़ाएगी, मामला कोर्ट में है, ठाकरे सरकार का क्या होगा, क्या जो डैमेज किया गया है उसके कंट्रोल के भरपाई के लिए क्या आगे किसी तरह का आदेशित किया जाता है कोर्ट से, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अंजना पाली हिल मौसमी आपके पास ये पूरा स्ट्रेच आप दिखा रही थी, यहां पर अनेकों इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं दिखा बीएमसी को, लेकिन टारगेट बड़ा क्लियर था आज का। जी बिल्कुल, देखिए अंजना सॉरी बीएमसी के निशाने पर था ये मकान, ये कंगना रनावत का मकान है। आप बगल में देखिए ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है, तो 4 नंबर और 5 नंबर का जो मकान है यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी एक साथ बराबर है, पर ये पूरा बालकनी गिरा दिया गया, कंगना की बालकनी गिरा दी गई, वो भी टेम्पररी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पत्थर वाली बालकनी बनाई थी, उसमें आयरन रॉड लगी हुई थी। और उसके बगल में आप नजर दौड़ाइए, ऊपर का टॉप हम दिखाते हैं, ये पूरे शेड्स लगाए गए हैं, ये भी क्योंकि वो बालकनी बाहर प्रोट्रूट कर रही थी, ये भी है वहां पे शेड्स, पर बीएमसी को ये नजर नहीं आए। दिलचस्प बात यह है, जैसे कि चित्रा भी